और उधर टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में युगांतर भारती के सारंडा बचाओ दो दिवसीय सेमिनार का समापन हो गया। सेमिनार में सारंडा जंगल बचाओ अभियान चलाने का संकल्प लिया गया। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में दो दिवसीय सारंडा बचाओ अभियान में देश भर से विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस संबंध में युगांतर भारती के मनोज कुमार सिंह ने बताया, सारंडा की इकोलॉजी और बायोडायनेमिसिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिकल गतिविधियों का, इसी को लेकर सेमिनार चल रहा है। इसमें देश भर के कई पर्सनैलिटी ने अध्ययन किया है। सारंडा के इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक गतिविधियों का, उसी को लेकर कल से एक यहाँ सेमिनार चल रहा है, जिसमें इस राज्य के कई इमिनेंट पर्सनालिटी जो कि सारंडा के बारे में कार्य किया है, अध्ययन किया है, वो विभिन्न टेक्निकल सेशन में अपने विचारों को रख रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि इस सेमिनार के माध्यम से ये निकल के आए कि कैसे सारंडा भी बचे, वहाँ से आर्थिक गतिविधियों के लिए और भी मिले, और वहाँ के जो लाइवलीहुड हैं उनका जीवन स्तर सुधरे, साथ ही साथ सारंडा के जो जीव जंतु हैं, जो विविधता है, वो भी बची रहे। आज जैव विविधता दिवस भी है, पूरे दुनिया में लोग मना रहे हैं, तो हम झारखंड की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र सारंडा पे झारखंड का और देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और एक फ्यूचर के वर्किंग प्लान के लिए इस दो दिवसीय सेमिनार को यहाँ कर रहे हैं।